बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव इंडिया आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब यह है कि भाई इकामा एक्सपायर है सऊदी अरब में, जिन बंदों का आप सब भाइयों को भाई अभी एक दो दिन से काफी न्यूज सुनाई जा रही है, यानी काफी खौफ में मुबतला किया जा रहा है। अच्छा, मैं इसके मुताबिक एक डिटेल से वीडियो आप सब पहले ही कल शेयर यानी कि कर चुका हूं, लेकिन मैं टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भाई कुछ ऐसी वीडियो देख रखा था जिनमें बताया जा रखा था कि जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं वो भी इसी जुमरे में आते हैं। कौन से जुमरे में, ये भी आपको बताता हूं मैं। और सऊदी जवाजात की तरफ से आज जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं उनके मुताबिक जो भाई कन्फर्म न्यूज सामने आ चुकी है, यहां पर आपको स्क्रीन पर बकायदा मैं वो चलाकर दिखाकर भी आपको बताऊंगा और उसके बाद ही आगे वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं भाई मैं कि जो मैंने आप सब कल न्यूज शेयर की है या अभी तक टिकटॉक के ऊपर उसके मुताबिक जो वीडियो मैं देख रहा हूं उनमें मैं ये देख रहा हूं कि सऊदी अरब में भाई अभी जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं यानी कि जिनके इकामे खत्म हो गए हैं, चाहे एक माह हुआ, चाहे दो माह, चाहे एक साल, चाहे दो साल हो गए हैं जी, तो उनको भी भाई 10 लाख रियाल तक का जुर्माना और 15 साल तक की कैद होगी जी मेरे भाई। हालांकि मैं एक डिटेल से वीडियो शेयर कर चुका हूं लेकिन ऐसी वीडियो मैं देख रहा हूं। आप भाइयों की सोच के ऊपर भी आज मुझे हैरत होती है अक्सर बंदों की, अक्सर भाई यानी कि सब भाई तो मेरे इस चीज को जब सुनते हैं उसी टाइम समझ जाते हैं कि ये बंदा भाई सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ वजारत दाखिला की तरफ से, यहां पर वो आपको मैं पिक्चर भी बड़ी करके दिखा रखा हूं, वजारत दाखिला की तरफ से आप पढ़ सकते हैं, इनके ट्विटर पेज के ऊपर जाकर भी इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आप यहां पर गौर से देखें लिखा क्या हुआ है कि वो तमाम तर बंदे जो बॉर्डर एरिया से सऊदी अरब में घुसेंगे और किसी भी जगह पर काम करेंगे, यानी कि वो काम जो बंदा इनको काम पर रखेगा, यानी कि जो बॉर्डर एरिया से अनलीगल तरीके से सऊदी अरब में घुसेंगे और उसके अलावा ये जिसकी रिहाइश पर रहेंगे, जो बंदा इनको सपोर्ट करेगा यानी कि किसी भी किसी किस्म की एक से दूसरे शहर ले जाने वगैरह की या ऐसे वैसे जो भी किसी भी मामले को लेकर इन बंदों की सपोर्ट करेगा वो भी इसी जुमरे में आएंगे। यहां पर कहीं भी आप नहीं देख सकते हैं भाई कि लिखा हो कि एक्सपायर इकामा वाले, यानी कि जिनके इकामे खत्म हो चुके हैं वो भी इस जुमरे में आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ जो बंदे झूठ बोल रहे थे इस चीज को लेकर उनके ऊपर तो मैं भाई लानत भेजता हूं उनके ऊपर, ऐसी फेक न्यूज, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। जो मेरा भाई सुनता था वो परेशान हो जाता था यार, कभी 10 लाख का जुर्माना और 15 साल की कैद अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो भाई इसके मुताबिक सऊदी जवाजात ने आज एक ट्वीट जारी कर दिया, ये बहुत अच्छा किया उनकी तरफ से कि भाई इस चीज को जो उन लोगों ने हाईलाइट किया यानी कि इस चीज के ऊपर रद्द अमल अपना जाहिर कर दिया है कि एक्सपायर इकामा वाले अभी क्या करेंगे। तो यहां पर मैं वो अच्छा सऊदी जवाजात की तरफ से जो ट्वीट है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रखा हूं, आप देख रखे होंगे, जिसमें भाई आप पढ़ सकते हैं बाकायदा खुद से। अच्छा, ट्विटर अकाउंट जो जवाजात का है इसके ऊपर जाकर भी इसे आप खुद से तसल्ली कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अदम तजदीद हवैया मुकीम यो अर साहिबा लल अकुबात, नीचे क्या लिखा हुआ जी, फी मर्रा अल अव्वल ग्रामता 500 रियाल, नीचे लिखा हुआ फी मर्रा अल सानिया ग्रामता 1000 रियाल, नीचे लिखा हुआ जी फी मर्रा अल सलासा अल इबाद। जी मेरे भाई समझ आ गया जी, मैं आपको समझा देता हूं अभी भाई तफसील के साथ। जवाजात ने आज ये ट्वीट शाया कर दी है इकामा एक्सपायर वाले तमाम तर गैर मुल्की परदेसी भाइयों के लिए जिनके इकामे एक्सपायर है, यानी कि अगर आपका इकामा पहली दफा यानी कि एक साल हो चला है या एक पहली दफा एक्सपायर हुआ है, 3 दिन से जायद का टाइम अगर हो चुका है तो फिर अगर 3 दिन के अंदर आप रिन्यू करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके ऊपर भाई 500 रियाल का फाइन होगा। अगर आपका दूसरा इकामा एक्सपायर हो गया है तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन होगा, और अगर आप 2 साल हो गए आपका इकामा एक्सपायर है, आपकी तीसरा साल आपको लग गया यानी कि आपके 3 इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, तो भाई आपके ऊपर अल इबाद यानी कि आपको यही बोल रहे हैं कि यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, खरूज लगा दिया जाएगा। सीधी साफ जी साफ बात है जी, यानी कि आपको पकड़ा तो जाएगा लेकिन जेल में भी रखा जाएगा। अभी जेल की मुद्दत क्या होगी इसके मतलब तफसील नहीं लिखी है, 15 दिन होगी, 10 दिन होगी, 20 दिन होगी, उस मुद्दत के दौरान भाई आप आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर किए जाएंगे और आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा। जी मेरे भाई, जिन बंदों के 3 इकामे हो चुके हैं यहां पर सऊदी अरेबिया में, उनका भाई डायरेक्ट खरूज लगेगा। अब जब भी वो पकड़े जाएंगे, सऊदी मरूद के हत्थे चढ़ जाए, जवाजात के हत्थे चढ़ जाए, ये शूटों वगैरह के हत्थे चढ़ जाए, भाई उनका सीधा खरूज लगेगा। जिनका एक इकामा खत्म है उनके ऊपर 500 रियाल का ग्रामा होगा, जिनके 2 खत्म है उनके ऊपर 1000 रियाल का ग्रामा होगा। और इसके मुताबिक
कंपनी वगैरह अगर आपका इकामा नहीं लगवा रखी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये भी क्लियर कर दूंगा, अगर आपका कंपनी वगैरह या मुसस्सब अगर आपका इकामा नहीं लगा रहा है तो आप भाइयों को क्या करना चाहिए। और वो तमाम बंदे, अभी मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ जो आपको ये बोल रहे थे, 10 लाख रियाल का जुर्माना और 15 साल की कैद होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इकामा अगर एक्सपायर हुआ तो, उन तमाम बंदों के ऊपर भाई उनको कमेंट में ना लानत जरूर भेजिएगा। क्यों? ये कोई सीरियस मामला है यार। इस चीज को लेकर कोई भी किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी गैर मुल्की भाई के साथ यहां पर शेयर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसके मतलब भी आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। कंपनी वगैरह मुसस्सा वगैरह कफील वगैरह अगर आपका इकामा नहीं लगवा रखा है, आपने अगर उससे इत्तफाक किया होगा इकामे के, यानी कि इकामा मेरा तू लगाएगा फिर भी नहीं लगवा रखा है, तो उसके मतलब जवाब आपने क्या कहा है।